बच्चों, आज हम हिंदी में प से माता लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक आड़ी लकीर, फिर एक छोटी सी खड़ी लकीर, फिर एक आड़ी लकीर, फिर यहाँ से यहाँ एक छोटी सी खड़ी लकीर, तो बन गया ये प। अब हम बनाएंगे फ। पहले एक आड़ी लकीर, फिर छोटी सी खड़ी लकीर, फिर एक छोटी सी आड़ी लकीर, फिर एक खड़ी लकीर, फिर यहाँ से यहाँ एक छोटा सा आधा गोला, तो बन जाएगा फ। अब हम बनाएंगे ब। एक आड़ी लकीर, एक खड़ी लकीर, फिर एक ऐसे आधा गोला, फिर यहाँ से यहाँ एक तिरछी लाइन करेंगे, तो बन जाएगा ब। अब हम बनाएंगे भ। पहले एक आड़ी लकीर, यहाँ पर से एक छोटा सा गोला, फिर एक खड़ी लकीर, फिर एक छोटा सा गोला करते हुए हमको ऐसे आड़ी लकीर खींचनी है, फिर यहाँ से यहाँ एक खड़ी लकीर, तो बन गया भ। अब हम बनाएंगे म। पहले एक आड़ी लकीर, फिर एक खड़ी लकीर, फिर इस खड़ी लकीर से ऐसे आधा गोला करते हुए एक हम छोटी सी आड़ी लाइन खींच देंगे, फिर एक खड़ी लाइन खींच देंगे, तो बन गया म। बच्चों, आज हमने प से माता लिखने का अभ्यास किया है, तो आप घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।